माटुंडा बूंदी स्थित सर्वोदय पैरामाउंट स्कूल का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीमती तेज कंवर ने की व अध्यक्षता अल करियर इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष अमित गुप्ता ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में नर्सरी व केजी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा दिल है छोटा सा गीत पर बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में नेशनल साइंस ओलंपियाड के एक्सीलेंस गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया। जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर ने नई शिक्षा पद्धति को आसान बनाने व सभी को शिक्षा मिलने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ अच्छे टिप्स बताएं। संस्था के चेयरमैन एजी मिर्जा ने बताया कि ग्रामीण छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब किसी बड़े शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा सबका अधिकार है और हर वर्ग को शिक्षा से जुड़ना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के माटुंडा बूंदी में सर्वोदय पैरामाउंट स्कूल की स्थापना की गई है। आज के कार्यक्रम के दिन के बैनर पे इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। अमित जी गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट एवन ग्रुप्स और तमाम बूंदी के जनमान्य नागरिकगण जो हमारे बीच में दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, माननीय मदनलाल जी भाई साहब को सरपंच शर्मा जी, रेखा चांदना जी, हमारे गणेश जी भाई साहब और तमाम जिम्मेदार जो हमारे वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन योगिन जी, एडवोकेट शिखा भाई, रेडियो मेहरा साहब और भी तमाम यहाँ माटुंडा के उप सरपंच महोदय और मेरे दोस्त जो बूंदी से इस कैंपस को संचालन करने में जिन्होंने हमें योगदान दिया, पूरी टीम्स यहाँ पर मौजूद है, उनका भी स्वागत। देवली से मोहित शर्मा जो बहुत बड़ा ग्रुप्स वहाँ पर सीबीएसई स्कूल चलाते हैं, बीएड कॉलेज चलाते हैं और एसटीसी कॉलेज आईटीआई है, वो हमें पूरे परिवार के साथ में हमारे बच्चों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए। साथ में नजीब अली कमांडो जो प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी भी हमारे बीच में, और आप भी भारत माता फिजिकल कॉलेज किशनगंज, ये सब बताया इसलिए जा रहा है कि आप जिस ग्रुप के साथ में आपके बच्चे जब खड़े होंगे ना भाई, और जब देखेंगे ना तो देखेंगे तब सीखेंगे, जब दिखाएंगे नहीं तो दिखेंगे।